हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए, मैं अचानक मतलब कुछ ऐसा प्लानिंग हो गया, होने वाला नहीं, मतलब नहीं करने वाली थी, बट क्या हुआ कि मैंने अचानक से प्लानिंग की है, तो वही मैं वीडियो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। और अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे चाय वगैरह सब हो गया था। मैं यहाँ पर राजा बेटा को कंघी कर रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा बच्चों को भेज दो घूमने के लिए, तो इनका मन हल्का हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी बच्चों का शाम के टाइम थोड़ा सा इन लोगों का मन होता है घूमने का, तो इसी वजह से शाम के टाइम में इनको थोड़ा सा भेज देती हूँ बाहर, घूम के आते हैं। तब तक मैं जो किचन का काम वगैरह होता है वो कर लेती हूँ, और तब तक इनका घूमना भी हो जाता है और इनको भूख भी लग जाती है। उसके बाद इनको खिला पिला के उसके बाद से मालिश वगैरह करके सुला देती हूँ, थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर उठते हैं तो खेलते हैं अपना। और देखिए, यहाँ पे पनीर बन रहा है और पनीर अभी आया है, और थोड़ा सा मैंने राजा बेटा को खिलाया था तो वही मैंने कट किया था, और मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है और पनीर। और इधर देखिए, खीर बन के भी रेडी हो चुका है, दीदी ने सब कुछ बना दिया है। और पनीर का मसाला वगैरह, प्याज टमाटर सब मैंने ये सब रेडी कर दिया है। अब मैं इसको पीस ले रही हूँ मिक्सी में, और उसके बाद से दीदी को दे दूँगी तो अपना करेंगी। और यहाँ पे देखिए, वो दीदी ही बना रही थी तो देखिए बना रही हैं। और मैंने कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की है, बट बस ऐसे ही खाने में बन रहा था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और आप लोग आजकल मेरी वीडियो को इग्नोर करें प्लीज़, मुझे सपोर्ट किया करिए, इग्नोर मत करिए प्लीज़। तो खीर थोड़ा सा बन गया था ना यहाँ पे, तो मैंने राजा बेटा को थोड़ा सा खीर खिला दिया था। तो देखिए, यहाँ पे मैंने खिलाया था इनको खीर, देखिए मैं खिला रही हूँ। और खिलाने के बाद जो मैंने प्लानिंग की है, अचानक से मतलब हो गया था प्लानिंग, वही इनका बर्थडे था, बट इनकी ड्यूटी थी तो कहे कि नहीं इस बार बर्थडे वर्थडे नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, रहने दो सब झूठ मूठ का, बाबू भी परेशान करने लगता है। खाना वाना तो उसे बन ही रहा था, कह रहे थे कि मैं तो चला जाऊंगा 7:30 बजे 8 बजे तक, तो कब केक काटूंगा, कब जाऊंगा, कब क्या होगा, लेट हो जाएगा मुझे, मैं रहने दो। फिर अचानक से मन हुआ कि नहीं मतलब कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी से मतलब केक लाए। और क्या हुआ था ना कि मतलब इतना जल्दी था कि मैंने कंघी भी नहीं किया था, मैं ऐसे ही बस मैंने स्कर्ट पहन लिया था और इनको कहा कि आप जल्दी से मतलब ये तो ऐसे ही रेडी थे जाने के लिए ऑफिस, तो मैंने कहा कि चलो। और मैंने बाबू को भी पहना दिया था, बस 10 मिनट में बर्थडे हो गया, खाना वाना सब रेडी ही था। तो अगली बार मैं अच्छे से प्लानिंग के साथ मनाऊँगी मैं सोच रही थी, बट क्या हुआ था ना कि इनका ऑफिस थे कि अरे छोड़ो जाने दो, हर बार तो होता है, इस बार रहने दो, अब तो मैं छोटा बच्चा नहीं रहा अब क्या। मैंने कहा कि नहीं चलो। तो देखिए, मैं यहाँ पे राजा बेटे को थोड़ा सा खीर खिला दे रही हूँ, खीर बना था वैसे, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो देखते हैं खीर खा रहे हैं कि नहीं। अभी तो खिलाती हूँ मतलब नहीं हूँ उतना चावल वगैरह, थोड़ा सा मैं कभी कभी रोटी खिला देती हूँ, तो वही मैं खिला रही हूँ यहाँ पे। Inside of me, in this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can long, can you stay and I will grow? तो देखिए, यहाँ पे मैंने राजा बेटे को खिला दिया था, खिलाने के बाद से ये दोनों लोग खेले थे, तो देखिए अभी ये आ गए हैं और अभी रेडी होंगे ऑफिस जाने के लिए। तो इन मतलब मैंने कहा कि चलो मैं भी रेडी हो जाती हूँ जल्दी से, फटाक से हो जाएगा, केक काटना ही तो है, खाना वाना मैं बना ही चुकी थी जल्दी से, मतलब हम लोग दीदी भी थी और हम लोग शाम को जल्दी से बना लिए थे। तो मैंने कहा कि चलिए आप रेडी हो जाइए ऑफिस जाने के लिए। और मैं ऐसे ही मतलब बेड में नहीं रखी थी, अलमारी में स्कर्ट रखी थी, तो मैंने जल्दी से स्कर्ट पहन लिया और राजा बेटा को भी पहना दिया है। और सब लोग हंस रहे थे, कैसे भी कभी बर्थडे होता है क्या सिर्फ 5 मिनट में अचानक से, तो वही। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आप लोग पहले इतना प्यार नहीं दे रहे हैं मुझे, प्लीज़ आप लोग इग्नोर मत किया करिए हमको प्लीज़।
inside of me. In this sense that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? देखिए यहाँ पे भी केक कट हो गया है और देखिए सोनी माँ अभी ताली बजा रही है। इनको भी फिर से कैंडल बुझाना था तो वही दीदी फिर जलाई, उसके बाद से फिर बुझाए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इनको केक खिला रही हूँ और वीडियो एंजॉय करी। मैं म्यूजिक लगा देती हूँ और इनका ना दो मतलब बर्थडे है, क्या होता है ना कि 27 को इनके सर्टिफिकेट पे है और 28 को मम्मी जी कहती है, 28 फरवरी को मम्मी जी कहती हैं, तो मतलब मम्मी जी मानती हैं तो हम लोग उसी दिन मनाते हैं, ये मानते हैं 27 को, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं किस दिन मनाएं। और यहाँ पे देखिए मेरा फुल मतलब लुक, और मैं मतलब स्कर्ट पहनी हुई थी तो यहाँ पे मैंने कपड़ा चेंज कर दिया था और मैं खाना निकाल रही हूँ और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे खाना वगैरह हो गया था और हम लोग बिस्तर पे हैं यहाँ पे। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, पापा को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे पापा को बर्थडे है ना, बर्थडे बर्थडे आपका पहला बर्थडे है, पापा का पहला बर्थडे आप है, पापा का पहला बर्थडे है जिसमें आप पापा के लिए बर्थडे नहीं करते, पापा कभी नहीं नहीं करते। अब जब बाबू का दबाव मुझे मैं बुलाओ जब मेरा धाम मम्मी से आप लोग सरप्राइज करें, बर्थडे कल था मनाते आज है 28 फरवरी सन 1985। अच्छा 28 फरवरी तुम शुरू से बेईमान रही हो, बेईमान हो ही एकदम याद से उनकी ये कहता है सर, फिर भी मिस हो गया ना, चेक कर लिया करो ना, आधार कार्ड है हमारे, कितने कार्ड है तुम्हारे पास, लेकिन वो होता ना मतलब मन के अंदर भी होता तो आदमी क्या कहता फॉर्मेलिटी।
इस साल तुम्हें कितनी फॉर्मेलिटी, इस साल तुमने क्या फॉर्मेलिटी, हमने कहा चलो इस साल कोई बात ही नहीं, इस साल तुम्हारे बाबू हुआ तुमने फॉर्मेलिटी अदा कर दी। और देखिए यहाँ पे राजा बेटा कैसे इतना प्यार कर रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।